हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सुमिसर्स हर्षित एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है वो देखेंगे और 2x3 में कैसे करते हैं, 3x3 में कैसे करते हैं, 2x2 में कैसे करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन, ट्रांसपोज ऑपरेशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 -1 3 4। एक ये मैट्रिक्स लिया, दूसरा मैट्रिक्स हम लेंगे, ये मैट्रिक्स जो है उसमें रो कितनी है, देर आर टू रोज। कैसे, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। यानी इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 3। तो इसका अगर आपको ऑर्डर पूछे तो क्या आएगा, 2x3 मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 1 3 या 1 2 1 4 0 -6। अब ये मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। इसका ऑर्डर हो गया 3x2 मैट्रिक्स। दूसरा एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स सी, उसका ऑर्डर हम बनाते हैं 2 -1 3 4। यानी इसमें नंबर ऑफ रोज आर 2, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। यानी ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स। तो हमने अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स लिए हैं, 2x3, 3x2, 2x2। ये सभी टाइप के मैट्रिसेस अगर आपको पूछते हैं, सभी टाइप के मैट्रिक्स, यानी अगर आप ये लेते हैं, ये मैट्रिक्स लेते हैं, इसको सॉल्व करने का, सॉरी इसका ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या है वो हम देखते हैं। तो अगर मैं लेता हूं कि ए ट्रांसपोज, टी मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोज का सिंबल टी। अगर मैं ए ट्रांसपोज बनाता हूं तो उसमें आपको क्या बनाना है, रो जो फर्स्ट रो है, यहां पे फर्स्ट रो है 1 2 3, उस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा। तो फर्स्ट कॉलम कैसे बनेगा, 1 ये 2 है तो 2, 3 तो 3। यानी मैं ट्रांसपोज के लिए क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी कि अगर 2x3 मैट्रिक्स है तो उसमें मैं उसका ट्रांसपोज में कैसे फाइंड करूंगा, रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। और अगर आपको ऑर्डर निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, देर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। और अगर मुझे इसका ऐसा हो, ठीक है, ट्रांसपोज, और अगर मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, तो सेम वेज मैं लिखता हूं मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू
इसमें भी क्या करेंगे, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी रो देखो 1 2 रो है उसको 1 2 कॉलम में कन्वर्ट किया। सेकंड रो देखो, सेकंड रो क्या है 1 4 उसको हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 4 ठीक है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो 0 - 6 हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम इसकी बात करते हैं, अगर 2 x 2 मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत सिंपल है, रो और कॉलम में कन्वर्ट नहीं करना है। आपको कैसा करना है तो मैं लिखता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू, अब इसमें अगर आप कॉलम को रो बनाने जाओगे तो वो 2 rows है तो 2 columns है, इसमें सेम है तो इसमें भी वही होगा। बट हम करेंगे क्या इसमें, तो देखना ध्यान देना, यहाँ पे 3 को हम यहां ले जाएंगे, -1 की जगह 3 को लिख देंगे, -1 को हम 3 की जगह लिख देंगे। तो 2 x 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का ये सबसे इजी मेथड है। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। और अगर हम 3 x 3 मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पे लेता हूं एग्जांपल। सपोज वी टेक मैट्रिक्स डी इक्वल्स टू, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 3 x 3 मैट्रिक्स। सो इन 3 x 3 मैट्रिक्स, 3 x 3 मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 rows होंगे और 3 columns होंगे। तो मैं लेता हूं एग्जांपल 1 2 - 1 4 0 3 कोई भी लिख सकते हैं, -2 ठीक है। सो इन दिस मैट्रिक्स देर आर 3 rows एंड देर आर 3 columns, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें मेथड किया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है वो ही हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो है 1 2 - 1 तो यहां पे लिखूंगा 1 2 - 1 4 0 3 -1 2 - 2 तो ये हो गया 3 x 3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ठीक है। यानी 4 हमने टाइप के मैट्रिसेस देखे, उसके हमने ट्रांसपोज देखे। मोस्टली आपके सिलेबस में इसी टाइप का, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्लोमा लेवल में तो आपको ये या तो ये दोनों में से एक आता है, बट ये भी आप ध्यान रखिए एमसीक्यू में आपको ये भी आ सकता है ठीक। तो चलो ये हमने देखा ट्रांसपोज का बेसिक, किस तरह से कौन से टाइप के मैट्रिक्स में किस टाइप से हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे इसके आगे के एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ठीक। Let us take an example of 2 x 2 matrix. तो आपको दिखा लिया है एग्जाम्पल में लिखा है इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 - 2 3 1 एंड बी इक्वल्स टू -1 5 4 - 3 then prove that AB transpose equals to B transpose into A transpose।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं और नसीब ऐसा है हमारा अच्छा कि इसमें 2x2 मैट्रिक्स दिया है। सबसे सिंपल 2x2 मैट्रिक्स ही होता है ट्रांसपोज फाइंड करने में भी, और ये जो मल्टीप्लीकेशन दिया है ए बी का मल्टीप्लीकेशन और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में भी 2x2 मैट्रिक्स बहुत ही ईजी रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर मल्टीप्लीकेशन में और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए मेरा, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आप जाना, उसमें मैंने मल्टीप्लीकेशन का 3x3 मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लीकेशन उसमें समझाया है, तो आप वो भी एक बार देख लेना। उसके बाद 2x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान लगेगा क्योंकि मेथड दोनों के सेम ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देखो LHS में आपको दिया गया है ए बी का मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद ब्रैकेट है और उसके बाद टी है। इसका मतलब क्या, ए बी का पहले आपको मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए इंटू बी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है हमेशा कि जो भी यहां पे दिया है उसका हमें क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो यहां पे लिखनी है। यानी मैं ए के बदले क्या लिखूंगा, 2-2, 3-1, फिर मैं बी लिखूंगा, बीच में कोई साइन नहीं करनी है, दो मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लिख दिया, अब करना बाकी है। स्टेप में क्या होता है, तो मैंने एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से बनाई है, एग्जाम में आप फॉर्मूला मत लिखना पर उसको फॉलो कर लेना। फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाई मल्टीप्लीकेशन की कि 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये मैट्रिक्स, ये रो लेते हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि 1 लिखा है, 1 रो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2-1 समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स है, सेकंड फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट्स को आपस में करना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसको सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -2×4 करेंगे, ठीक है। और दो ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आता है, माइनस नहीं आएगा, माइनस मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि माइनस बच्चे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो आदत होती है डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ऐसे ही क्रॉप ना हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हम माइनस करते होते हैं, वो ऐसी हैबिट पड़ जाती है, तो माइनस आपको इसमें नहीं करना, वो डिटर्मिनेंट में हम करते हैं। उसके बाद ये तो हमने स्टेप लिख दिया, अब ये सेकंड में जाते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अभी से फर्स्ट कॉलम को यहां से हटा देता हूं, सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो 2×5 प्लस -2×3 -2×-3, ठीक है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई
कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां से मैं एरो हटा देता हूं फर्स्ट रो से और सेकंड कॉलम से भी हटा देता हूं। यहां से हम करेंगे एरोस करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको माइंड में एरोस ड्रॉ करनी है ताकि आपको मिस्टेक ना हो। 3 × -1 + 1 × 4, ठीक है, यानी ये स्टेप हमारा ओवर हो गया। अब देखते हैं सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं, तो 3 × 5 + 1 × -3। चलो हमने स्टेप्स लिख दिए मल्टीप्लाई कर, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल मैथ्स है पर मिस्टेक होने के चांसेस भी है, ध्यान देना अच्छे से। वीडियो को ज्यादा स्पीड में मत देखना नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, अच्छे से उसकी स्पीड से जाने देना। 2 × -1 − 2 + है ना, इसलिए ब्रैकेट −2 × 4 − 8, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो 2 × 5 = 10 + 3 × 6 − − + यहां पे देखते हैं 3 × 1 = 3 और माइनस साइन है इसलिए यहां पे माइनस आएगा। आपको वो तो पता ही है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका वीडियो अलग से बना दूंगा कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लिकेशन होते तब क्या करना है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में नहीं होते तब क्या करना है, अगर आप बोलोगे उसका वीडियो भी आ जाएगा। देखो कैसा मैं बता रहा हूं आपको, प्लस और माइनस, जैसे कि +4 हो −8 हो, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है कि +4 यहां पे हो और −8 यहां पे हो, तो इनको कैसे सॉल्व करना है अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। 4 × 1 = 4 5 × 3 = 15 + 1 × 3 = 3 और माइनस साइन है इसलिए हमने −3 यहां पे रखा है। बस अब ये लास्ट स्टेप हो जाएगा −2। अभी फिर से करते हैं −2 + −8 हुआ, 10 + 6 − 3 + 4 15 − 3 − 10 16 1 and 12। तो ये हमने ए बी का मल्टीप्लीकेशन ढूंढा, राइट। अब हमें उसका क्या ढूंढना है, ट्रांसपोज, तो उसका हम ट्रांसपोज ढूंढते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं Therefore, A transpose = करना क्या है ट्रांसपोज में, 2 × 2 है तो 16 1 की जगह लिखना है, 1 को 16 की जगह लिखना है, बाकी −10 और 12 में कोई चेंज नहीं करना है। ट्रांसपोज हो जाएगा −10 1 16 12, ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दिस इज योर LHS. LHS शुड बी इक्वल टू RHS. तो RHS हम पहले फाइंड करेंगे फिर देखेंगे RHS की वैल्यू इसके जितनी आती है या नहीं, ठीक है। अच्छा इसको मैं फॉर्मूला को थोड़ा हटा देता हूं, जब उसकी जरूरत होगी फिर से एक बार लिख दूंगा, बट अभी फिलहाल हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, सो LHS अलग पोर्शन में लिख दिया, RHS को अलग पोर्शन में लिखेंगे। RHS में सबसे पहले आपको दिया है B और T, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ B फाइंड करने से पहले हम B क्या है वो यहां पे लिखेंगे। जो B मैट्रिक्स है दैट इज −1
5 4 minus 3 और B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो बहुत सिंपल हुआ, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 4 को हम 5 की जगह लिखेंगे, 5 को हम 4 की जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 3 तो लिख देंगे और यहां पे लिखेंगे 5 यहां पे 4। दिस इज योर ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स। उसके बाद हमें ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो पहले A मैट्रिक्स क्या दिया है वो हम लोग लिखेंगे। तो क्या है देखो, 2 माइनस 2 3 1। नाउ ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स विल बी क्या आएगा, देखो 3 को माइनस 2 की जगह, माइनस 2 को 3 की जगह, आगे एक और बात मैं बताऊं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ध्यान देना। 1 इंटू 2 करोगे तो भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो भी 2 आएगा। दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, यानी सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं करना है। कई मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनके आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे तो सेम आ सकते हैं, पर ऐसे मैट्रिक्स मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बुक्स में बहुत कम होते हैं। यानी आपके हिसाब, मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस के हिसाब से हार्डली 5% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सीक्वेंस आप चेंज करेंगे तो भी आंसर सेम आता है। हार्डली बुक में आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से दिखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, सीक्वेंस चेंज करने पे आंसर सेम नहीं आता है, ठीक है। यानी आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, आप ऐसा मत करना कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमने जो फाइंड आउट किया तो पहले आप ए ट्रांसपोज लिख के फिर बी ट्रांसपोज लिखो, इस तरह से तो आंसर नहीं आ सकता। आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको ऐसा ही लिखना है। सीक्वेंस मैटर्स, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। मैट्रिसेस यानी ज्यादा होते तो मैट्रिसेस, एक होता है तो मैट्रिक्स, तो हम सीक्वेंस मेंटेन करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान देना सम इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस के वीडियोस आपको दिख रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ही वीडियोस में बनाता हूं। चलो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं, माइनस 1 4 5 3। अब मैं ए ट्रांसपोज का लिखता हूं, 2 3 माइनस 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पैटर्न सेम, के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहां पे मैं छोटा सा फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, 1R1C 1R2C 2R1C 2R2C, इस तरह का फॉर्मूला। एग्जाम में मत लिखना, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन, तो सीक्वेंस का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 × 2 प्लस 4 × −2, राइट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, माइनस 1 × 3 प्लस 4 × 1, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
5 into 2 plus 3 into minus 2, उसके बाद सेकंड कॉलम पे एरो कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 into 3 प्लस 3 into 1, ठीक है, ओके। एक मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पे माइनस आएगा ना, दिस शुड बी माइनस 3, सो यहाँ पे माइनस होगा तो चेंज होगा, देखना ध्यान देना, फर्स्ट रो का तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे होगा माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 इंटू 1, ओके, तो यहाँ पे भी माइनस 3 इंटू माइनस 2 बराबर, नाउ इट इज परफेक्ट, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 4 टू जर 8 माइनस 8, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 4, 5 to the 10 plus 3 to the 6, 15 plus minus 3, ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो minus 2 plus minus minus 8, डिटेल में स्टेप इसलिए लिखता हूं ताकि सबको समझ आए और आप लोग भी अच्छे से समझ लो, चाहे आपको कितना भी मैथ्स आता है, वीडियो अच्छे से देखो, 10 प्लस 6, 15 माइनस 3, ये होगा माइनस 10, 1, 16 एंड 12, सो ये आंसर किसका है, ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये है हमारा राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अभी आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है या नहीं, नाउ यू कैन सी दैट बोथ आंसर्स आर सेम, देयरफॉर फिर आपको लिखना है वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक, तो इस तरह से ट्रांसपोज के सम्स आपको करने हैं। इसके अलावा भी और आपको कोई सम्स प्रॉब्लम करते हैं ट्रांसपोज के या कोई भी टॉपिक के, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो सकता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका मुझे कमेंट भेजिए, मैसेज भेजिए, मेरा मोबाइल नंबर भी है, ये मेरा यहाँ पे खुद का कोचिंग क्लास चलता है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम